अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि रात के टाइम हलवा पूरी मिल रही है। जी जनाब, रात के टाइम जो है ना वो हलवा पूरी मिल रही है और मैं और बच्चे जो ये सर्विस मिलती है, क्योंकि आमतौर पर जो हलवा पूरी है ना वो सुबह सुबह के टाइम पर मिलती है, लेकिन दिल पसंद की खासियत है कि आप रात को भी आके जो है किसी भी टाइम हलवा पूरी खा सकते हैं। तो आज जो है ना बच्चों का मेरा दिल चाह रहा था कि रात को हम लोग चलते हैं हलवा पूरी खा के आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे और बहुत अच्छी सर्विस है, डाइनिंग एरिया है पूरा, और यहाँ पर जो है ना पूरे कंपार्टमेंट्स लगे हैं। अगर आपको टिक्का खाना है तो टिक्का भी अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हैं सामने जो है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप हलवा पूरी नहीं खाना चाह रहे तो आप बहुत सारे ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग आ गए थे और हम लोग हलवा पूरी इंजॉय करने आए थे। सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में जो है ठंड में बाहर निकल के खाना खाओ तो बड़ा मज़ा आता है। तो बच्चे और हम लोग आ गए थे और यहाँ पर हम लोग हलवा पूरी इंजॉय कर रहे थे। तो ये व्लॉग इसलिए भी इंफॉर्मेटिव है कि भाई कभी क्रेविंग होती है हलवा पूरी की तो वो बस सुबह सुबह के टाइम में मिल रही होती है, सारा दिन अगर आपका दिल चाहता है तो फिर वो नहीं मिलती। तो अगर आपका रात के टाइम हलवा पूरी खाने का दिल चाह रहा है ना तो आप लोग दिल पसंद चले जाएँ और आपको वहाँ गर्म गर्म हलवा पूरी सर्व होगी और बहुत मज़ा आता है। छुहारे वाला दूध है यहाँ पर, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, ये छुहारे वाला दूध है, ये 120 रुपए का मिलता है पूरा कटोरा भर के। तो सर्दियों में गरम गरम इतने बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर बैठ के। तो ये जो है वो छुहारे वाले गरम दूध का ऑप्शन अवेलेबल है और डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, शुहारमा है, टिक्के हैं, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारे मेन्यू हैं। तो इनका डाइनिंग एरिया बना हुआ है पूरा और हम लोग जो है ना यहाँ पर हलवा पूरी इंजॉय कर रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था रात के टाइम ठंड में, और एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हो गया था। तो बस बच्चों ने मैंने प्रोग्राम बनाया कि भाई आज रात का सारा जो है ना हम लोग बाहर डाइनिंग एरिया में बैठ के और हलवा पूरी इंजॉय करेंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा था ठंडी ठंड।